दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एवरीथिंग लैब पर। तो दोस्तों आज के दिन बात करने वाले हम आपके स्कूल्स की रीओपनिंग को लेकर, क्योंकि दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट कुछ ऑर्डर्स निकल कर आए हैं। कल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकल कर आए थे और आज हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से निकल कर आया। तो दोस्तों दोनों ऑर्डर्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक में तो जुलाई के बारे में बात की गई थी कि जुलाई से स्कूल्स को रीओपन करना होगा, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था, और एक में कहा गया कि मिड ऑफ जून से रीओपनिंग होगी स्कूल्स की। तो दोस्तों इन दोनों ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे आज के दिन, और तो दोस्तों देखते हैं क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि स्कूल्स रीओपन हो सके। तो दोस्तों इस सब के बारे में आज के दिन बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार ने जब अनलॉक 1.0 के बारे में, अनलॉक 1.0 के बारे में जब पूरे डिटेल्स बताए, तो उसमें सबको चौंका देने वाला एक डिटेल था, वो था कि स्कूल्स रीओपन करने वाले हैं वो जुलाई के मंथ से। हालांकि जुलाई का मंथ अभी दूर है, एक डेढ़ महीना रहता है, पर दोस्तों फिर भी स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनकी एज कम होती है, इम्यूनिटी थोड़ी कम रहती है जो यूथ होता है उससे, तो उनके लिए तो रिस्क काफी अधिक रहेगा। तो पर फिर भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि जुलाई के मंथ से स्कूल को रीओपन किया जाएगा। पर दोस्तों इसके ऊपर जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं उनका एक स्टैंड काफी क्रिटिक से भरा हुआ है, क्योंकि उन्होंने कल के दिन से ही 2 लाख पेरेंट्स ने एक पेटिशन साइन की है, यानी कि एक रिक्वेस्ट साइन की है 2 लाख पेरेंट्स ने कि स्कूल्स को रीओपन नहीं किया जाए। क्योंकि दोस्तों इस सबसे जो रिस्क रहेगा वो स्टूडेंट्स को ही रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है उन्हें इतनी समझ नहीं होती है और वो केयर कम ही कर पाते हैं। तो 2 लाख पेरेंट्स ने दोस्तों साइन किया पेटिशन और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने हैं वो कि स्कूल्स को रीओपन नहीं किया जाए। और दोस्तों अभी भी, क्योंकि कई सारी नेशंस जहां पर कोरोना वायरस का अभी खतरा काफी कम हो गया, वहां पर भी अभी तक स्कूल्स को रीओपन नहीं किया गया। चाहे आप चीन की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, वहां पर क्योंकि अभी काफी कम केसेस आते हैं कोरोना वायरस के, पर फिर भी वहां पर अभी स्कूल्स को रीओपन नहीं किया गया। काफी कम जगहों पर वहां पर स्कूल्स को रीओपन किया गया जहां पर काफी कम रिस्क है। और दोस्तों काफी नेशंस वहां पे तो अभी तक ओपन नहीं हुए हैं, जैसे आपका इटली लीजिए, यूके लीजिए, ब्रिटेन लीजिए, आपका फ्रांस, वहां पर अभी तक स्कूल्स को रीओपन नहीं किया गया। और दोस्तों वहां पर जो कोरोना वायरस की एक पीक होती है वो सब उसे क्रॉस कर चुके हैं, पर हमारे इंडिया में रोज के रोज न्यू 24 आवर्स की पीक बनते जा रही है, यहाँ की दोस्तों एक अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। पर फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने अनलॉक 1.0 करने की डिसीजन लिया है और उसमें भी स्कूल्स को रीओपन कर रहे हैं। पर दोस्तों एक शॉकिंग न्यूज तो आज निकल कर आई है कि हमारे JNK के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या फैसला लिया कि 15 जून से वो स्कूल्स को रीओपन कर। JNK ने तो सबको शॉक ही कर दिया आज के दिन, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर निकाला है कि वो मिड ऑफ जून से स्कूल्स को रीओपन करने वाले हैं। और उन्होंने सब स्कूल्स को, हालांकि अभी कोई ऐसा डायरेक्ट ऑर्डर तो नहीं निकला, पर जो ऑर्डर निकल कर आया उससे तो ये साफ क्लियर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सब स्कूल्स को कुछ प्रोटेक्शन गियर, अपने हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश, मास्क वगैरह सब कलेक्ट करने को कहा है कि वो सब खरीद लीजिए स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए, अपने स्टाफ की सेफ्टी के लिए। तो चलिए दोस्तों अभी मोबाइल मोड पर शिफ्ट होकर देख लेते हैं इस ऑर्डर को। तो देखिए दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन निकल कर आई है हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरेट श्रीनगर की तरफ से, क्योंकि इस टाइम पे हमारे जिन्हें सेक्रेटरेट है वो सब श्रीनगर में शिफ्ट है। लिखा किसने, हमारे डायरेक्टर जी ने लिखा है, ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू कश्मीर की तरफ से लिखा गया, और है क्या कि सेफ्टी आइटम्स को अवेलेबल करवाया जाए JNK में। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, पर यहाँ पर दिया गया एस गवर्नमेंट इंटेंड्स टू रीओपन स्कूल्स इन मिड ऑफ जून 2020, आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे टू इंश्योर सेफ्टी मेजर्स इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स टू अरेस्ट स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस टू स्टूडेंट्स एंड स्टाफ देयर इन। इन दिस कनेक्शन नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस मे बी सर्कुलेटेड टू हेड्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स टू प्रोवाइड अ पेयर ऑफ रीयूजेबल मास्क एंड अ पेयर ऑफ हैंड ग्लव्स टू एवरी स्टूडेंट एंड इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ 1000 ml बल्क हैंड सैनिटाइजर एंड 1200 ml लिक्विड सोप विद डिस्पर्सर एट एंट्री पॉइंट टू ईच गवर्नमेंट स्कूल। एक्सपेंडिचर ऑन द अकाउंट शैल बी डेबिटेड टू समग्र ग्रांट्स रिलीज टू ऑल इंस्टीट्यूशन फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। योर फेयरफुली डायरेक्टर फाइनेंस स्कूल एजुकेशन। इसका हिंदी में अनुवाद कर आपको बताएं, इसका मीनिंग बताएं, तो यहाँ पर जो बात की गई है वो यही है कि सब गवर्नमेंट स्कूल्स में जो प्रोटेक्शन गियर रहते हैं, सब हैंड सैनिटाइजर वगैरह, हैंड ग्लव्स वगैरह, रीयूजेबल मास्क, आपका हैंड वॉश, लिक्विड हैंड वॉश रहता है, वो सब अवेलेबल करवाया जाए गवर्नमेंट स्कूल्स में, ताकि स्टूडेंट्स को कोरोना वायरस और स्टाफ को कोरोना वायरस का रिस्क ना हो, और ये सब एंट्री पॉइंट पे प्रोवाइड किया जाए।
और इस सब का एक्सपेंडिचर जो होगा वो समग्र ग्रांट्स गवर्नमेंट रिलीज करेगी, इससे हमारा कोई काम आपको ये नोटिफिकेशन तो समझ कर समझ आ गई होगी हमारी जेएनके एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की। तो दोस्तों अगर अभी बात करें कि क्या ये डिसीजन एक वाइस डिसीजन कह सकते हैं हम इसे हमारी डिपार्टमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट का, तो दोस्तों ये डिसीजन बिल्कुल भी एक वाइस डिसीजन नहीं कंसीडर किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों हमारे जेएनके में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोकल स्प्रेड की चिंता बढ़ते जा रही है। हालांकि अभी ट्रैवलर से आ रहा है पर लोकल स्प्रेड भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जेएनके में भी काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर अभी तक टेस्टिंग लैब्स इस्टेब्लिश नहीं हुई हैं। तो फिर कैसे कोई इंश्योर कर सकता है कि इस सबसे जो स्टूडेंट्स हैं वो बचकर रह पाएंगे, क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट्स तो इतनी आसानी से नहीं बच सकते हैं क्योंकि उन्हें अपनी सेफ्टी की इतना पता नहीं होता है। तो दोस्तों ये हालांकि ये डिसीजन तो गलत है, देखते हैं अगर आगे कोई क्लैरिफिकेशन निकल कर आती है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसके बारे में बता देंगे हम लोग। तो अगर हम कुछ अपने जेएनके में डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, तो जैसे हमारी एंट्री ऑफ जेएनके कठुआ की बात करें, तो वहां पर जितने भी स्कूल्स हैं उन सबको क्वारंटीन सेंटर में कन्वर्ट किया गया है। तो दोस्तों ये पॉसिबल तो नहीं लगता कि जो स्कूल्स हैं वो रीओपन हो जाएंगे मिड ऑफ जून से, हालांकि दोस्तों ये हमारी गवर्नमेंट को भी मालूम है पर फिर भी उन्होंने ऑर्डर निकाला है, तो कुछ सोच समझ कर ही निकाला होगा। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है आगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, किसी भी नोटिफिकेशन की पीडीएफ के लिए, अपने नोट्स की पीडीएफ के लिए क्विज़ेस होते हैं वहां पर, आपके लिए काफी यूजफुल मटेरियल पोस्ट होते रहता है, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रेगुलरली यूजफुल और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, और दोस्तों अगर कोई मन में क्वेरी या कोई बात कहनी है तो कमेंट करने से बिल्कुल ना झिझकेगा। तो चलिए दोस्तों लेट्स एंड इट।